जब भी कुछ अलग और चटपटा खाने का मन हो तो सबसे पहले दिमाग में समोसा आता है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं समोसा की सबसे आसान रेसिपी, जो बनाना बिल्कुल बहुत ही आसान है और कम समय में कम सामान से झटपट में फटाफट से बनने वाली समोसा की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। समोसा खास करके हम सब बाजार से ही मंगाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि समोसा बनाना बहुत ही मुश्किल और झंझट वाली काम है। तो आज मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिससे आप इसकी फिलिंग बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन करे फटाफट से समोसा तले और इसे एंजॉय करें। बनाना बहुत ही आसान है, हलवाई जैसे एकदम परफेक्ट समोसा की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। हाय, मैं सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा, तो पहली बार में 110% परफेक्ट और हलवाई जैसे आपके समोसा बन के तैयार होंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम फ्राई करने के लिए 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया, आप सरसों तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ पे 1 चम्मच हमने जीरा भर के डाले हैं। जीरा अच्छे से चटक जाए तो हरी मिर्च, यहाँ 5-6 हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाते उस अनुसार डालें। पत्ते वाली लहसुन के 5-6 गच्छी को हमने कट करके डाले। 2 बड़े प्याज को हमने बारीक कटे हुए प्याज को हमने पहले से कट करके रखे थे, जिससे भी हम इसे डालेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। जब ये हल्का सा चटक जाए इसे चलाते हुए भूने और गैस फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची पहले भी हमने ऐड किए थे। 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे और सब मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। हम स्वाद के अनुसार आप नमक डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं और किस क्वांटिटी में बना रहे हैं उस अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लें। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, इसके बिना तो स्वाद अधूरा ही रहता है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, आप चाहे तो क्रश करके भी डालें। 2 चम्मच यहाँ पे हमने कसूरी मेथी डालें और थोड़े से इसमें हम 2 चम्मच के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, और सबको अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से आप स्टफिंग बना के समोसा के तैयार करके भी रख सकते हैं, क्योंकि समोसा बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे मसाला को अच्छे से भून लें, उसके बाद बॉयल आलू को इसमें ऐड करें। यहाँ पे मसाला अच्छे से हमने इसे भून लिया है और ग्रेट किए हुए आलू यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं या इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रेट किया, यहाँ पे हमने 1 kg आलू को हमने बॉयल करके और ग्रेट करके इसमें लिया है। आप जितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग और किस मात्रा में बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना लें, और साथ में ही धनिया पत्ती इसमें ऐड कर दें जैसा कि आप देख रहे हैं, और सारे मसालों को अच्छे से भून करके आप तैयार कर लें। देखिए कितना अच्छा मसाला मेरा भून के तैयार हुआ है, और इसे जब करें इससे आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं, इसे समोसे भी बना सकते हैं, इसे आलू चप भी बना सकते हैं। जिस तरह की आप कोई भी रेसिपी बनाना चाहें, से फीलिंग आलू से ही तैयार करना हो तो आप इसे तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ की क्वांटिटी हमने इसका ज़्यादा मात्रा में बनाई है, क्योंकि इससे हम समोसा भी तैयार करेंगे और फीलिंग हमने ज़्यादा तैयार करके रखी है, जिससे हम स्टोर करके एयर टाइट डब्बे में भर के इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसे बंद करके एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रखते हैं। एक बार ध्यान रखना है, इसे डीप फ्रीजर में बिल्कुल ना रखें, इसे नीचे वाली स्टेप में रखें। तो यहाँ पे स्टफिंग बन के तैयार हो गई है, मसालेदार चटपटा आलू मसालेदार। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है यहाँ पे आलू मसाले से आप आलू पराठा भी बना सकते हैं, आलू चप भी इससे बना सकते हैं और स्टोर करके भी इससे रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा हम बाउल लेंगे, पहले से हमने डब्बा में स्टोर करके मैदा को छान करके रखे थे। अब यहाँ पे हम मैदा लेंगे, आप कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप मैदा लें। यहाँ पे आप आटा से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ हम इसमें घी डाल रहे हैं, आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट इसमें सरसों तेल बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि सरसों तेल से एक अलग ही स्मेल आता है और अच्छी परत और अच्छी खास्तादार अगर समोसा चाहते हैं तो आप घी या रिफाइंड ही यूज कीजिएगा, खास करके घी ही यूज कीजिएगा। अगर अवेलेबल नहीं हो उस समय बनाते समय तो आप रिफाइंड यूज कर सकते हैं। और इसमें एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, पहले सारे को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़े थोड़े पानी डाल के हम इसे एक सख्त सा डो लगाएंगे। आटा रोटी की तरह हम इसका डो तैयार नहीं करेंगे, थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, उस तरह से हम इसका डो लगाएंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे, तो हमारी अच्छे से एकदम परतदार खस्तेदार हमारे समोसा बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे तैयार हो चुका है मेरा डो, तैयार कर लिए हमने। अब इसे एक जाली से हमने 5-10 मिनट के लिए इसे ढक के रेस्ट के लिए छोड़ दें।
यहाँ पर 150 ग्राम के करीब मार्केट वाली पनीर हमने यहाँ पे ली है, जिसे हम अच्छे से ग्रेट करके मोटे डाली की तरफ हमने इसे ग्रेट करके रख लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डाले या स्किप भी कर सकते हैं, बट इसे टेस्ट ज़्यादा पनीर का आता है, समोसे में ज़्यादा अच्छा लगता है। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसमें हमने फ्राई करने के लिए तलने के लिए रिफाइंड ऑयल लिए हैं। आप इसे रिफाइंड में या घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट सरसों तेल में इसे फ्राई बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब हम छोटे छोटे साड़ी को लोई काट लेंगे। जब आप इस तरीके से घर पे समोसे बनाएंगे तो मार्केट से मंगाना भूल जाएंगे और पहली बार में 100% आपके समोसे परफेक्ट बनेंगे, बिना टूटे फूटे, बहुत ही अच्छे शेप में हलवाई जैसे बनेंगे, बहुत खस्तेदार परतदार समोसे बनेंगे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो मार्केट से मंगाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे और सभी को बेहद पसंद आएगा। और घर के बने हुए समोसे की बात ही कुछ और होती है, खुद के हाथ से बनाए हुए समोसे जितने शुद्ध हैं उतने टेस्टी, साथ में हेल्दी भी बहुत। जो भी खाएंगे तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आप इस तरह से पूरी की तरह सारे को लोई को बेल लें और बीच से कट लगा के जैसे शेप में हमने इसे फोल्ड किया उस तरह से शेप में फोल्ड कर लें और फिलिंग इसमें ज़्यादा भी इसमें ऐड नहीं करें और ना कम, ऐसे डालें कि जो आप इसे अच्छे से इसको आप ऊपर से शेप दे सके, लॉक कर सके, और पनीर को ऊपर से थोड़े से डालें कि अच्छे से लॉक हो जाए और खुले भी नहीं, तो बिना खुले बिखरे आपके अच्छे समोसे बनेंगे। देखिए कितने अच्छे शेप में हमने इसे बनाया है, बहुत ही अच्छे शेप में बने। अब यहाँ से आप देख रहे हैं इसे एक तरफ से पहले इसे मोड़ेंगे और फिर इसे दूसरे तरफ से लॉक कर देंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे, हल्के हल्के हाथों से पुश करके इससे हम दबाएंगे। अब इसमें फिलिंग डालेंगे, ऊपर से पनीर ग्रेट किया हुआ पनीर डालें। आप चाहे तो इसे पनीर को क्यूब में भी छोटे छोटे पीसेस भी कट करके आप आलू के फिलिंग में स्टफिंग में बीच में भी डाल के इसे फोल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऊपर से ग्रेट किए हुए डाले हैं और इस तरह से आप हल्के हाथ से दबा कर इसे लॉक कर। देखिए कितने अच्छे समोसे हमारे बन के तैयार हुए हैं। एक एक करके सारे समोसे की इसी शेप में आप बना लें। आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है इसका छोटा शेप दे या बड़ा शेप। सारे समोसे को रेडी कर ले पहले तैयार करके, जब रिफाइंड अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालें। गैस फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखें, नहीं तो ये जलने लगेगा, ऊपर से जलने लगेगा और अच्छे से अंदर से सिकेगा नहीं। और नहीं लो रखें, नहीं तो अच्छे से खास्ता नहीं होगा, सख्त हो जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें अच्छे से। जब एक तरफ से हल्के से गोल्डन हो जाए तो इसे दूसरी तरफ एक एक करके पलट लें। जब दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन हो जाए, सिक जाए, तो इसे एक टिश्यू पेपर पर, बटर पेपर पे साड़ी को इस तरीके से आप निकाल लें। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा सब इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। और तो लीजिए यहाँ पर बन के समोसा तैयार है, एकदम हलवाई स्टाइल। इसे घर पर बनाएं और फुल फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको समोसा खाने का मन कर रहा है तो इसे आप सेलो फ्राई करके भी आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब दिल करे तो इसे फटाफट से फ्राई करें और इसे चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, चाय के साथ, जिस चीज़ के साथ मन करे आप इसे इंजॉय करें। सेम स्टफिंग से बनाएंगे झटपट में बनने वाली मिनी समोसा। इसके लिए हम एक बड़ी सी लोई लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से इसे बड़ी सी एक रोटी जैसा हम तैयार कर लेंगे। मिनी समोसा सभी बच्चे का फेवरेट होता है, तो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनके लिए मिनी समोसा बना के रखें और चाय के साथ इसे इंजॉय करें। अब इसे हम चाकू की मदद से कट लगाएंगे, इसे हम 8 कट में लगाएंगे। आप पिज्जा कटर से भी इसमें कट कर सकते हैं और 4 भी कट कर सकते हैं या 6 भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे 6 या 4 भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे 8 कट इसमें हमने डाले हैं और सब पे फिलिंग छोटी स्पून से सब पे थोड़े थोड़े से हम डालेंगे। जब भी घर पे कोई मेहमान आए तो मिनी समोसा चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और तारीफ करते नहीं थकेंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे फटाफट से आप इसे बनाएं। आप चाहें तो पनीर ग्रेट को इस पर डालें या स्किप कर दें और इसे हल्के से एक तरफ से, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले एक तरफ से कोन को हम इधर से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ से इसे हम उठाएंगे जैसा आप देख रहे हैं, और इसे
चारों तरफ से हम इसे लॉक करेंगे, हल्के हाथ से इसे लॉक करेंगे कि फीलिंग बाहर नहीं है, बिना टूटे बिना बिगड़े पहली बार में 110% परफेक्ट बनाएंगे आपके मिनी समोसा भी। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे बिल्कुल झंझट नहीं है, बच्चे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी में मिनी समोसा बन के तैयार हो रहे हैं और बच्चे भी देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। तब यहाँ पर तब तक हम रिफाइंड को गर्म कर लेते हैं, गैस को हमने ऑन कर दिया, रिफाइंड को पहले खूब तेज आँच पे इसे हम गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पे, फिर इसे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ज़्यादा हाई पे इसे फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो अंदर से सीकेगा। फ्राई कर लें, जब एक तरफ हल्के से गोल्डन हो जाए तो दूसरी तरफ इसे पलट दें और जितना कढ़ाई में आ सके उतना डालें, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें नहीं तो इसे पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और फर्स्ट बार अगर बना रहे हैं तो टूट भी सकती है, तो आप इसे कम मात्रा में ही डालें जितने में ये अच्छे से आ जाए। दोनों तरफ से इसे अलट पलट कर अच्छे से पकने दें, जब ये गोल्डन हो जाए तो सबको सुनहरे गोल्डन होने तक इसे अलट पलट के अच्छे से फ्राई करें। जब यहाँ अच्छे से जब फ्राई हो जाए तो एक बटर पेपर पीस सबको निकालें, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा सब ऑब्जर्व हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे मिनी समोसा हमारे बन के तैयार हुए हैं चाय के साथ, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाएँ और इन्जॉय करें, बच्चे तो बनते बनते सारे चट कर जाएंगे और सभी को बेहद पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि समोसे की रेसिपी आप सभी को बेहद पसंद आई हो। थ्री टाइप रेसिपी की तरफ चलती हूँ। अब यहाँ पे हम सेम स्टफिंग से बनाएंगे आलू के पराठा। बचे हुए ग्रेट किए हुए यहाँ पे पनीर हमने लिए हैं, आटा के टो हमने पहले से डो तैयार कर लिया है पराठे के लिए, वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पे एक हमने पैन चढ़ाए हैं, गैस को ऑन कर दिया, आटा की लोई को हमने छोटे छोटे भाग में है तोड़ लेंगे। आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं, ऐसे तो आलू के पराठे बड़ी बड़ी ही बनती है, लोई आप अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मैं आलू के पराठे बनाने के बताऊंगी। इस तरीके से आलू के पराठा आप बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। पहले इसके लिए रोटी तैयार करें, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर हमने फिलिंग को एक लेयर में डाल दिए, उस पर ग्रेट करके पनीर डाल दिए। पनीर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं और इसे चारों तरफ से हल्के से पकड़ के इसे फोल्ड कर दे, लॉक कर दे। आप इसे स्टफिंग से आप जब स्टोर करके रखेंगे तो जब दिल करे आप समोसा बना सकते हैं, आलू के पराठे बना सकते हैं, चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे के टिफिन में दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये नहीं कि हाँ झंझट बहुत झंझट है इसमें। आप स्टफिंग कौन तैयार करें, आलू कौन उबाले, तो आप स्टफिंग तैयार करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, सेम तरीके से फिलिंग को भर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोई को हल्के से दबाकर ऊपर से ऐसे ग्रेट के ऊपर नहीं डाल के इस तरह से बना सकते हैं और गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाएं, इसे चाय के साथ नाश्ते में टिफिन में जब दिल करे आप इसे बनाएं इंजॉय करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट में बनने वाली। आप इसे बगैर सब्जी भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रायता के साथ खा सकते हैं। टाइम कम है झटपट में, अगर सुबह में नाश्ते में आलू के पराठे खाने हैं, शाम में समोसे खाने हैं, चाट के साथ समोसे खाने हैं, चाय के साथ समोसे खाने हैं, तो स्टफिंग को रेडी करके पहले से रखें और फटाफट से बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की रेसिपी स्टफिंग की आलू के पराठे समोसे की पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।